ऑटो यूनियन के जो भी चालक हैं उनके उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार के विधानसभा इलेक्शन के बारे में उनकी क्या राय है और अभी जो बढ़ती हुई महंगाई है उसके बारे में उनका क्या सोचना है। अब आप नाम बताएंगे क्या? साबिर अली। साबिर साहब, आप कितने दिनों से ऑटो चलाते हैं? 20-22 साल से चला रहे हैं। इस बार का जो कोरोना काल के बाद जो आप लोग ऑटो चला रहे हैं, इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? जो महंगाई इस तरह चल रही, आज भी पेट्रोल का दाम बढ़ा है, आज पेट्रोल 91.35 रुपया है, डीजल का दाम 84.35 रुपया है, तो इस बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, ये तो सेंटर सरकार से बढ़ रही है, सेंटर सरकार को चाहिए कि इस पर रोकथाम करने के लिए। इसकी वजह से हम लोग को गाड़ी चलाने में बहुत परेशानी हो रही है। रोज़ हर मतलब कि हर महीने में 2-3 बार गैस पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, जिस गैस का भी दाम बढ़ रहा है और पेट्रोल का भी दाम बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हम लोग को गाड़ी चलाने में बहुत परेशानी हो रही है। आप लोगों का पैसेंजर रेगुलर बेसिस पे मिलता है? मिलता है, लेकिन यही जो हाँ मिलता है। तो आप लोग कमा पा रहे हैं क्या? आप लोग भी महंगाई के मार से झेल रहे हैं अभी? जब से कोरोना का हम लोग ये से हुए उस वक्त से हम लोग मारी झेल रहे, कभी हम लोग खुशहाल नहीं। आपको क्या लगता है कि बीजेपी की सरकार आएगी तो आप लोग का जो भी प्रॉब्लम है उसका समाधान हो जाएगा? और हम लोग का मनी मुसीबत बढ़ जाएगा। वो बीजेपी सरकार आने से खास करके मतलब बंगाल में गुजरात वाला हाल हो जाएगा, जो गुजरात में हुआ था वही हाल बंगाल में करना। बीजेपी तो कह रही है हम आएंगे तो बंगाल को सोनार बंगला बना देंगे। और सोनार बंगला क्या, मैंने पूरा एकदम भिखारी बंगला बन जाएगा वो। मतलब क्या कुछ बोलना चाहेंगे? बीजेपी की सरकार तो बहुत सारी रियासतों में है, पहले उसको सोनार बंगला बनाए, उसके बाद यहाँ पर बनाए। सोनार यूपी हो सकता है, सोनार बिहार हो सकता है। वो पहले वो क्यों नहीं किया? यूपी को क्यों नहीं सोनार किया? झारखंड क्यों नहीं किया? बिहार में क्यों नहीं सोनार यूपी किया? आज वो बोल रहा है कि बंगाल को सोनार यूपी कर, सोनार बंगाल कर देंगे, वो और मतलब बंगाल को पीछे ले चला जाएगा। इस बार के इलेक्शन में आप लोग क्या लगता है, ममता बनर्जी या मोदी? ममता बनर्जी। कितने सीटों से जीत सकती है, आप लोग कुछ अंदाजा लगा कर बोल सकते हैं? 250 सीटों से जीत जाएगी। बीजेपी का तो कहना है 200 प्लस हम लाएंगे, आप बोल रहे 250 तृणमूल ला लेगी। गलत, उन लोग का गलत सोच है। बहुत कुछ बोलते हैं। आपका नाम दादा? दिलीप पाल। अच्छा दिलीप, आइए थोड़ा आगे आइए। दिलीप जी कैसे हैं आप? अच्छा है। कहाँ रहते हैं आप? हाँ, मालपिंडरी में रहते हैं। आप भी ऑटो चालक हैं? हाँ। तो आपसे पहला एक ही सवाल रहेगा कि बीजेपी का जो एक हिंदू कार्ड है, बीजेपी का कहना है कि हिंदुस्तान में हिंदू बहुत खतरे में है, तो आप इस ड्राइवर यूनियन में आपको कितना खतरा महसूस होता है? देखिए, हम 26 साल से यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, आज तक तो कोई तकलीफ नहीं हुआ है। मैंने मिल में से काम कर रहा है, हमारा यहाँ ही चल रहा है रोटी रोजगारी। बीजेपी तो कह रही है कि हिंदू खतरे में है, बंगाल में भी हिंदू खतरे में, हम लोग बंगाल में आकर हिंदू को सेफ तो बोलवे ही करेगा, जो यहाँ पर रहता है वही जानता है कैसे हम लोग रहते हैं। आप यहाँ से आराम से, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से गाड़ी चलाते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो दिन ब दिन महंगाई हो रही है, हर एक चीज़ का दाम बढ़ रहा है, सबसे जो मेन चीज़ है पेट्रोल और डीजल और गैस का दाम, इससे सबसे ज़्यादा लोग इफेक्टिव होते हैं। हाँ। इस बारे में आप क्या बोलेंगे, सरकार को क्या बोलना चाहिए? सरकार तो गलत कर रहा है, हर रोज 10 रुपया बढ़ाता है, तो एक महीना के बाद 2 रुपया कमा के बोला हम कम कर दें। आपको क्या लगता है इस बार, ममता या मोदी? ममता दीदी। क्यों लगता है कि ममता बनर्जी जीतेगी? ममता बनर्जी हम लोग का बहुत सहायता करती है। क्या किए आपको? हमारे बच्चे लोग के लिए स्कॉलरशिप दे रही है, हमारे बच्चे को राशन दे रही है, हमें राशन फ्री में दे रही है, तो इस बिना पर हमारे ममता बनर्जी हर एतबार से अच्छा है। बीजेपी का तो कहना है कि अगर हम बंगाल में आएंगे तो बंगाल को सोनार बंगला बना देंगे और डेवलपमेंट का काम करेंगे, तो आपको लगता है कि बंगाल अगर बीजेपी आती तो बंगाल और डेवलप करेगा? वो और झुका देगा बंगाल को। बार लगता है कि आपका लास्ट टाइम तो यहाँ का जो एमएलए हुए थे मानस मुखर्जी हुए थे, इस बार सायनदीप मित्रा है यहाँ के कैंडिडेट, तो आपको लगता है कि इस बार मदन मित्रा इस इलाके से जीत पाएंगे? मैडम 100% जीतेंगे। क्यों लगता है कि जीतेंगे? ये काम किए हैं, मतलब हर इलाके में, हर वार्ड में, हर मतलब जितने हारने के बावजूद भी इतना काम कर दिए हैं कि एक आदमी यहाँ के आदमी उनके एहसानमंद। अभी फिलहाल हम लोग हैं कमरट्टी तृणमूल रिक्शा चालक यूनियन के पास, जो हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि यहाँ का जो ऑटो मेटाडोर रिक्शा चालक जो ड्राइवर हैं उनकी क्या राय है इस बार के विधानसभा इलेक्शन से और बढ़ती हुई महंगाई के बारे में वो क्या सोच रहे हैं। आइए हम लोग बात करते हैं, आपका नाम बताएंगे क्या? शेख कलीमुद्दीन। अच्छा, आप भी रिक्शा चालक हैं? जी हाँ। तो आप इस बार का इलेक्शन के बारे में क्या बोलेंगे? इलेक्शन के बारे में बोलना यही है कि जो अभी ममता बनर्जी की सरकार जो अभी चल रही है, टीएमसी की सरकार चल रही है, हम तमाम लोग चाहे रिक्शा वाले हो या ऑटो वाले हो या टैक्सी वाले हो या 230 बस स्टैंड हो, 407 है, छोटा हाथी है, जितने लोग यहाँ पर हैं ये तमाम लोग ममता बनर्जी हमारी जो सीएम है, जो हमारी चीफ मिनिस्टर है, बंगाल में ऐसा चीफ मिनिस्टर
हम लोगों ने कभी नहीं देखा जो आज हम लोग देख रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसा चीफ मिनिस्टर जो गरीबों को ख्याल कर रही है, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है आज तक गरीबों के घरों में चावल गेहूं फ्री राशन मिल रहा है, ये ममता बनर्जी का देन है। देखिए बात ऐसा है कि जो महंगाई बढ़ती है तो महंगाई पे ही सब कुछ डिपेंड होता है। जैसे पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ रहा है तो लोगों के हर एक सामान का दाम बढ़ जाता है, लोगों को पॉकेट में पैसा नहीं रहेगा तो लोग काम कैसा करेंगे। तो अभी इन हालात में क्या आपको पैसेंजर प्रॉपर मिलते हैं, आप लोगों की डेली कमाई हो पाती है? कमाई हो रही है, लेकिन अभी महंगाई के हिसाब से जब से लॉकडाउन खत्म हुआ है, लॉकडाउन से पहले जो आमदनी हम लोगों की थी, लेकिन लॉकडाउन के बाद अभी आमदनी में थोड़ी कमी आ गई है। इसलिए कि ये पीएम मोदी सरकार की ये देन है, जो डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम, गैस का दाम ये जो बढ़ाता चला जा रहा है, तो आखिर आवाम पैसा कहाँ से देगी? आवाम भी तो मजदूरी कर रहा है, आवाम भी तो ऑफिस में खट रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, उसी पैसे में से तो रिक्शा वाले को दे रहा है, बस वाले को दे रहा है, ऑटो वाले को दे रहा है। जहाँ तक हम जानते हैं कि जो रिक्शा जो चालक होते हैं वो डेली कमाने और डेली खाने वाले होते हैं, तो कोविड के टाइम में जो कोरोना काल में जो लॉकडाउन था तो वहाँ पे रिक्शा बहुत ही पैसेंजर आप लोगों को कम होते थे, तो उस वक्त खाने के लाने बहुत लोगों को पड़ गए होंगे, तो उस वक्त क्या ममता हुकूमत से आप लोगों को प्रॉपर हेल्प मिला था? जी एकदम मिला है, ममता हुकूमत से मिला है। आपके जो एमएलए कैंडिडेट है मदन मित्रा, उनके तरफ से कुछ हेल्प? हमारे यहाँ के मदन मित्रा जो हमारे जो एमएलए हैं, ऐसा एमएलए कमेटी में हम लोगों ने आज तक नहीं देखा जो हम लोगों के साथ नहीं रहते हुए भी कमेटी वालों को ख्याल कर रहे हैं। लॉकडाउन में उनके जितने कार्यकर्ता हैं घर घर पूछ पूछ के दाल चावल तेल चीनी आटा वगैरह वगैरह ये तमाम सामान लोगों के घरों में पहुँचा रहे थे, रातों रात पहुँचा रहे थे। आप बोलिए, वही बात बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? हाँ हम लोग को भी मिला, हम लोग को मिला था, सबको मिला था। इस बार के इलेक्शन में आपको क्या लगता है, दीदी या मोदी जी का सरकार होगा? दीदी बीजेपी तो बोल रही है कि परिवर्तन की लहर चल रही है, हम लोग जीतेंगे और सरकार थोड़ी होगा, बोलने का तो सभी को ही बोलता है, समझे? आपका नाम? सरकार था नहीं रहेगा। अच्छा कार्ड मिला है? अच्छा अच्छा, हम लोग को हेल्थ कार्ड ही मिला है। दीदी का तो जो स्वास्थ्य साथी जो कार्ड का जो स्कीम है, लेकिन बीजेपी का कहना है वो स्कीम फेल है, लोगों को उससे हेल्प नहीं मिला, किसी को आप लोग को हेल्प मिला? कहीं नहीं मिला, बिल्कुल मिल रहा, कहीं नहीं मिल रहा, फायदा आपने उठाया? अभी तो नहीं है, लेकिन मिल रहा है लोगों को, पूछा लगता है किस बार ममता बनर्जी घूम